Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल शम्स, आपका होस्ट तकबीर टेक्नोलॉजी टॉक शो में। आज का हमारा टॉपिक है आईटी और आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड। जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को रिवोल्यूशनाइज किया है पिछले 30 सालों में, वहीं पे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सी मुश्किलात सामने आई हैं। इंफॉर्मेशन की ईजी अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। इसी टॉपिक पे आज वलीद हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पे डिटेल में बात करने के लिए और सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो वलीद, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद वलीद खालिक है और मेरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फील्ड से तकरीबन कोई 8 से 9 साल का ताल्लुक है और इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में अपनी जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन जिस तरह की आपने बताया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है जिस तरह उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं, इस तरह ही जो है मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ मसाइल भी खड़े हुए हैं जिनकी वजह से सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी लीक होना, ठीक है, जिस तरह आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपके आइडेंटिटी नंबर हो गया, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट नंबर हो गए, आपकी दूसरी मालूम जो है उसके लीकेज के ऊपर लीक होना एक बहुत आम और रोजमर्रे का मसला बन गया हुआ है। ठीक है जी वलीद, इसी टॉपिक पर मैं थोड़ा सा आपसे वजाहत चाहूँगा कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, हम साइबर सिक्योरिटी का वर्ड भी सुनते हैं, साथ ही साथ नेटवर्क सिक्योरिटी के वर्ड्स अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं डिफरेंट चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं या फिर ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम हैं? तो मैं चाहूँगा पहले आप थोड़ा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में व्यूअर्स को बताएँ। देखिए जी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक इटसेल्फ इज अ डोमेन, ठीक है, एक बहुत बड़ी डोमेन है, ठीक है। अब जैसे कि आपने बात की कि आईटी सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की सब डोमेन्स हैं, ठीक है। अब जैसे अगर नेटवर्क सिक्योरिटी को उठा के देखें, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन लेवल सिक्योरिटी के ऊपर जो है उसको सिक्योर करने के लिए फोकस किया जाता है। सही, यानी कि एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम थोड़ा टेक्नोलॉजी के लोगों से अगर बात करना चाहें या लेमैन टर्म्स में बात करना चाहें, तो अगर हमारे पास एक छोटा लैपटॉप है जी, उसकी सिक्योरिटी जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी में आती है। साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो वो वर्ड से ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी आईएसपी की सिक्योरिटी के सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है इटसेल्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि सब डोमेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी जो है अप्लाई प्रॉपरली, जैसे आपने कहा कि आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर पे होती है, इंटरप्राइज जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होती हैं, ठीक है, वहाँ का जो फुल इन्वायरमेंट है उसे साइबर सिक्योरिटी की तरह ही कंसिडर किया जाता है और वहाँ की उसको जो है सेफ रखना फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, इवन फ्रॉम इंटरनल टू इंटरनल उसको सिक्योर करना, इट्स अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये टर्म साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये चीज बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं। इसी से रिलेटेड आपसे नेक्स्ट सवाल एक करना चाहूँगा कि बहुत से हमारे पास जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उसका हम डिफरेंट नाम सुनते हैं, जैसे कि वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर्स, स्पाइवेयर्स, रैंसमवेयर्स, तो कुछ नाज़रीन को बताएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और मतलब कुछ एग्जांपल से हम इसके बारे में अगर समझ सकें रीसेंट कुछ थ्रेट्स जो कि मार्केट में आए हों और उन्होंने लोगों की इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब किया हो, तो उसकी एग्जांपल से आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे। देखिए जी, थ्रेट इटसेल्फ जो है वर्ड, इसके बारे में ये जिस तरह आपने नाम लिया वायरस फॉर्म, देखें इनका मकसद क्या होता है, आप अगर इनके पीछे मकसद देखें तो क्या मकसद है, इनका मकसद नुकसान पहुंचाना, ठीक है, इन एनी फॉर्म, और नुकसान किसको पहुंचाना, इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाना। आपकी जितनी भी इस वक्त आईटी सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में जो बात होती है उसके सबसे पहले इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है कि आप
जो है अपने इन्वायरमेंट या अपने सिस्टम या अपने टैबलेट को इवन के इन अटैक से या मलिशियस एप्लीकेशन कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, जो वर्म वगैरह ये तो अब थोड़ी सी ओल्ड टर्म हो गए, क्योंकि जिस तरह ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अपने नेक्स्ट ईरा के अंदर एंटर हो रही है तो इन टर्म्स को जरा पुराना कर दिया गया। अब जो नई टर्म्स यूज होती है इनके लिए वो यूज होती है मलवेयर्स। ओके, मलवेयर्स का मतलब ऐसे ही है जैसे कि एक मलिशियस वेयर, वेयर मीन्स सॉफ्टवेयर। ओके, तो इन दो लफ्जों को मिला के एक मलवेयर करार दिया गया है। ठीक है, अब उसके जिस आपने बोला कि जो लेटेस्ट ट्रेंड जो है इस बार मार्केट के जो लेटेस्ट ट्रेंड है अटैक्स के, वो है सबसे लेटेस्ट इस वक्त रैंसमवेयर। ओके, अब रैंसमवेयर का क्या काम होता है? रैंसमवेयर जो होते हैं जब ये किसी भी तरह से आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, ईमेल के थ्रू आ सकते हैं, आपने किसी पब्लिक साइट को जो है विजिट किया है, वहां से आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, ठीक है, जिसके साथ रैंसमवेयर अटैच था, वो आपके सिस्टम में एंटर हो गया। अब उसने एंटर होने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट उसका जो स्टेप होता है उसे सबसे पहले जो है आपके सिस्टम के अंदर रन एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, यानी रन होना है। रन होने के बाद उसने आपकी जितनी भी फाइल्स है उसको इनक्रिप्ट करना शुरू कर देना है, यानी कि उसकी शेप चेंज करना शुरू कर देना ओरिजिनल फाइल से। ठीक है, यानी कि आप उस फाइल को दोबारा रन नहीं कर सकते एज इट इज। और देन उसके उसने आपसे जो है रैंसम, ठीक है, कुछ अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट होगी, उन्होंने वो आपसे तलब करनी कि आप इतने पैसे हमें देंगे तो हम उसका कोड देंगे जो इसको डिक्रिप्ट करते हैं। वलीद, यहीं आपसे जानना चाहूंगा कि पुराने जमाने में अक्सर ऐसा हम सुनते थे कि कोई वायरस हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे आया और उसने पूरा डाटा इरेज कर दिया, इनफैक्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो करप्ट हो गया जी। उसकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज हो जाती थी। आई थिंक रिसेंट टाइम में यही चीज चेंज होके कुछ इस तरह से हो गई है कि ये चीज आपको पहले कुछ चांस देती है कि आप पे करें और अपने आप को उस चीज से बाहर निकाल लें, या फिर आप अगर नहीं पे कर रहे हैं तो आफ्टर सर्टेन टाइम आपका डाटा टोटली जो है वो लॉस हो जाएगा। तो आखिर इन चीजों से बचा किस तरह जा सकता है, एक नॉर्मल यूजर इस चीज से अपने आप को किस तरह जो है वो सेफ रख सकता है? बिल्कुल, देखें अब जो जिस तरह आपने बात की कि अब जो एक नया ट्रेंड है रैंसमवेयर का, इसमें सबसे पहली चीज ही होती है कि जी आप फिर वो रैंसम तो जरूर मांगते हैं, ठीक है, उसके कोई ना कोई अमाउंट तो जरूर मांगते हैं, लेकिन उसमें अश्योरिटी नहीं होती कि आपका आइदर कि आपका डाटा वापस आता है कि नहीं आता। सबसे पहली चीज हो सकता है आप पे कर दें और आपको जो है आगे से उसका कोई इवन कोई कोड ना मिले या कोई भी ऐसा टूल ना मिले जिसके थ्रू आप उसको अपने जो जितना भी डाटा है डिक्रिप्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो होता है आपने अपने आप को जो है प्रोएक्टिव एक्शंस लेने होते हैं, जिनको हम आईटी सिक्योरिटी के अंदर कहते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस। उसमें होता ये है कि आपने अपने आप को खुद सेफ करना है आए कि इससे पहले कि आपकी तरफ अटैक आए। ठीक है, अब उसके अंदर आपने मेक श्योर करना है कि सबसे पहली चीज जो हम लोग जिसमें जो है थोड़ी सी गफलत जो कर जाते हैं वो ये होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली जो है हम परचेज नहीं करते, कॉपीराइट जो है उसकी की नहीं लेते। ठीक है, हम जो है बेसिकली उसको क्रैक वर्जन इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, और आपको नहीं पता कि हो सकता है उस क्रैक वर्जन के अंदर कोई ऐसा की लॉगर हो या कोई ऐसी चीज हो जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है लीक करी हो, या कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई हो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कि पीछे रन करके आपको एज ए जो है विक्टिम बना दे किसी चीज का, किसी रैंसमवेयर का। इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें बेसिकली कोशिश करनी चाहिए या फिर यही रास्ता सही है कि हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर पायरेटेड वर्जन ना। जी बिल्कुल, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उस पे रन करने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सबसे पहले जो है आप प्रॉपर उसको आपका जो है लाइसेंस वर्जन होना चाहिए, प्लस दूसरी मेक श्योर करना है कि आपका प्रॉपर एंटीवायरस हो। ठीक है, जिसको जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा हो, प्लस तीसरी चीज मेक श्योर होना चाहिए कि आपके विंडोज अपडेट हों। ये बहुत तीन जो है बहुत जरूरी जो है पॉइंट्स हैं, इनको आप मद्देनजर रखें अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम सिक्योर रहे। वेरी वेल, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन रही। इसी से आगे चलते हैं वलीद, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, कि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो क्या है और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग आजकल आईटी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा ट्रेंड भी है, कह सकते हैं आप अटैकिंग ट्रेंड भी है। ठीक है, और एक प्रॉब्लम भी बनता जा रहा है, क्योंकि आईटी सिक्योरिटी के अंदर सबसे बड़ा जो इशू फेस किया जाता है इन फॉर्म ऑफ के जो है ह्यूमन एरर। ठीक है, अब ह्यूमन एरर में जो है सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा जो है किरदार है।
होता ये है कि सपोज इस तरह आजकल आपने देखा होगा मार्केट के अंदर अक्सर लोग कॉल्स रिसीव करते हैं डिफरेंट जगहों से डिफरेंट नंबर से और आपको कहा जाता है कि जी आप इतने पैसे जमा हम आप अपने पैसे हमें दें ठीक है और इतने पैसे आप हमें जमा करवाएं या अपना CNSE आईडी दें या अपना कोई भी आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करें हम उसके एवज आपको इतने अमाउंट जो है वो कीप करेंगे तो ये इट्स अ फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक ओके राइट यानी कि वलीद अगर मैं जानना चाह अगर ये मैं कहूँ तो आई थिंक गलत नहीं होगा कि बहुत से जो आजकल एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं पाकिस्तान की बात करें कि बहुत से लोग इस सोशल इंजीनियरिंग टाइप ऑफ अटैक का शिकार हो चुके हैं कि एक फॉल्स कॉल उन्हें रिसीव होती है कॉलर जो है वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो जेन्युइन कॉलर है और उससे वो इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है जो कि उसको इदारे के अलावा किसी और से शेयर नहीं करनी चाहिए जी बिल्कुल ऐसा ही है दैट्स समथिंग रियली अलार्मिंग इसी टॉपिक से थोड़ी सी जुड़ी हुई बात है जो कि नॉर्मल यूजर से हटके कॉर्पोरेट यूजर के लिए है कि वायरसेस वैसे तो कंपनीज अपने पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाती हैं और सिक्योरिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करती हैं एंड डिवाइसेस पे भी नेटवर्क पे भी बट स्टिल ये एक चैलेंज हो जाता है अक्सर बेशतर कंपनीज के लिए कि वो किसी वायरस अटैक के अंदर आ जाती हैं सो आखिर ये कौन से डिलीवरी मेथड्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन हो जाते हैं वायरसेस के लिए जिससे कि वो इतने सिक्योरिटी लेयर्स होने के बावजूद नेटवर्क में एंटर हो जाते हैं इस बारे में कुछ हमें बताएं स्टेट 25 लाहौर में घर बनाने का ख्वाब अब ख्वाब नहीं रहेगा बाबदा टाउन बहरिया ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटी एलडीए एवेन्यू सुई नॉर्दर्न एनएफटी समेत किसी भी इलाके में प्लॉट घर दुकान या दफ्तर लेने और तामीर के लिए अभी राब्ता कीजिए मियां जहूर अहमद 03214500800 या फिर 03034500800 असली फाइजा ब्यूटी क्रीम की पहचान पूनिया ब्रदर्स का नाम और लोगो 22 31 90 SMS वेरिफिकेशन कोड और पूनिया ब्रदर्स का निशान फाइजा ब्यूटी क्रीम मेरा भरोसा असली फाइजा ब्यूटी क्रीम की पहचान पूनिया ब्रदर्स का नाम और लोगो 22 31 90 SMS वेरिफिकेशन कोड और पूनिया ब्रदर्स का निशान फाइजा ब्यूटी क्रीम मेरा भरोसा स्टेट 25 लाहौर में घर बनाने का ख्वाब अब ख्वाब नहीं रहेगा बाबदा टाउन बहरिया ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटी एलडीए एवेन्यू सुई नॉर्दर्न एनएफटी समेत किसी भी इलाके में प्लॉट घर दुकान या दफ्तर लेने और तामीर के लिए अभी राब्ता कीजिए मियां जहूर अहमद 03214500800 या फिर 03034500800 इतने सिक्योरिटी लेयर्स होने के बावजूद नेटवर्क में एंटर हो जाते हैं इस बारे में कुछ हमें बताएं देखिए कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट जो है बेसिकली वो विक्टिमाइज होती है थ्रू ईमेल अटैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम ओके इस वक्त जो है मार्केट में सबसे ट्रेंड जो ऑफ अटैक जो यूज किया जाता है वो बेसिकली ईमेल यूज किया जाता है ठीक है अक्सर ईमेल्स जो हैं डिफरेंट सोर्सेज से अननोन सोर्सेज से आ रही होती हैं जिनके बारे में यूज को इन्फॉर्मेशन नहीं होती ठीक है और दूसरा ये सेकंड फैक्टर होता है अवेयरनेस का लोगों को अवेयरनेस नहीं होती यूजर हैं हो सकता है उनको अवेयरनेस ना हो कि ये जो ईमेल जो है किसी नॉन सोर्स से है या अननोन सोर्स से है ठीक है फिर होता है कि उन ईमेल के साथ मोस्टली कुछ फाइल्स अटैच होती हैं सपोज कोई डॉक्यूमेंट फाइल होगी ठीक है उस डॉक्यूमेंट फाइल के बैकएंड पे जो है कोई ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल या कोई ऐसा मलवेयर जो है उसके अटैच हो जब वो आप डॉक्यूमेंट ओपन करें तो वो एग्जीक्यूट हो जाए ठीक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो मार्केट में देखा गया है परसेंटेज ऑफ अटैक्स वो है ईमेल इज अ मेजर थ्रेट इन द मार्केट जिससे अटैक्स जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को हर्ट करते हैं सेकेंडली उसके बाद ये होता है कि आपकी पॉलिसीज एनवायरनमेंट की कैसी हैं ठीक है अगर सपोज द सेकेंड बिगेस्ट थ्रेट वेक्टर और थ्रेट अटैकिंग प्रोसीजर इज लाइक कि यूएसपी के थ्रू बहुत जो है वायरस वॉर्म्स जो और में रैंसमवेयर जो है ट्रैवल करते हैं आपके अगर एनवायरनमेंट के अंदर यूएसपी प्रोहिबिटेड पॉलिसी नहीं है तो उसमें यह है कि कोई भी बंदा बाहर से आएगा और अगर सिस्टम के साथ वो यूएसपी अटैच करता है तो दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट थ्रेट अटैक वेक्टर ओके तो ये एक चीजें हैं जिसमें देखा जाए जो है ट्रैकर्स को जो है फॉरवर्ड करती हैं एनवायरनमेंट के अंदर इन कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट स्पेशली
اسی سے آگے تھوڑا سے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ای میل بہت کامن وے آف کمیونیکیشن ہے آج کل, بہت سے سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں سوشل یوزج کے لیے جس میں واٹس ایپ ہے, لائن ہے, ٹینگو ہے اور بہت سے نون ایپلیکیشنز ہیں. تو کیا یہ جو وائرسز کے بارے میں آپ نے کہا یہ لمیٹڈ ہیں اپ ٹو ای میلز یا پھر یہ ان سوشل میڈیا کے تھرو بھی پروپیگیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, سوشل میڈیا جو ہے از ون آف دا بگیسٹ کمیونیکیشن چینل جو اس وقت چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بالکل آپ کے جو ہے واٹس ایپ, لائن وغیرہ کے تھرو بھی جو ہے آپ کو جو ملیشیس ملویئر جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایون کہ آپ کو لنکس بھیج دیے جاتے ہیں ایسی سائٹس کے جن کے اوپر اگر آپ جائیں تو آپ کی جو ہے ڈیوائس آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کو جو ہے اس میں جو تھریٹ ہوتا ہے بیسکلی یا ملویئر یا وائرس یا رینسم ویئر جو ہے وہ جو ہے ٹرانسپورٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو دے آر آلسو ون آف دا میجر تھریٹ وکٹمس ایٹ دا ٹائم. اسی بات سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں لیپ ٹاپ کو سارے پیچز اپ ڈیٹ رکھنے چاہیے, سافٹ ویئر جو ہے وہ سارے لائسنسڈ ہونے چاہیے, اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی موبائل فون پہ یا ٹیبس پہ ہمارے پاس اپلیکیشنز ہیں کیا ان کا بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل, اپ ڈیٹس جو ہیں بیسکلی دیکھیں اپلیکیشن اپ ڈیٹس آئی اس وجہ سے جاتی ہیں کہ اس میں اگر پرانی اپلیکیشن کے اگر کوئی ایسا فلا ہے, کوئی بیک ڈور ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے, ٹھیک ہے, اس کو کور کرنے کے لیے جو ہے نیو اپ ڈیٹس آتی ہیں. تو میک شیور کریں کہ آپ کی جتنی ڈیوائسیز ہیں آئیدر کے لیپ ٹاپ, ڈیسک ٹاپ, آپ کے ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسیز جن میں موبائل فونس وغیرہ ہیں, یہ اپ ڈیٹ ہونی چاہیے اور اپ ٹو دا مارک ود دا لیٹسٹ اپلیکیشن ہونی چاہیے. ویری کریکٹ. اسی پوائنٹ کو ایک ڈفرینٹ ڈائریکشن سے دیکھیں اور اگر آپ سے پوچھیں کہ جس طریقے سے پائریٹڈ سافٹ ویئرز اور آپریٹنگ سسٹم ہمارے پاس لیپ ٹاپس پہ یا ڈیسک ٹاپ پہ انسٹال کرنے سے ہمارے پاس پرابلم ہے, وہیں پہ آج کل موبائل یوزرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ موبائل اپلیکیشنز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ان دونوں چیزوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے, آئی تھنک میں بھی ایک اتنا لے مین یوزر ہوں کہ ایک نون اپلیکیشن کے علاوہ اگر مجھے کوئی اپلیکیشن پسند آتی ہے, لیٹ سے اگر بات کریں سیمسنگ یا اینڈرائڈ فون کی, تو اس سے اس فون پہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہم پلے اسٹور پہ جاتے ہیں یا ایپل فون پہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سافٹ ویئر ہم ایپل اسٹور پہ جاتے ہیں. تو یہ کس طرح انشور کیا جا سکتا ہے کہ ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئر جو ہے یہ میلیشیس نہیں ہے یا پھر یہ میری فون کے ساتھ کوئی سوشل انجینئرنگ سارٹ آف سچویشن تو کریٹ نہیں کر دے گا کہ میری انفارمیشن لیکیج ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے اگر آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ ایپ اسٹور پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پلے اسٹور پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ ایک تو ملیشیس اپلیکیشن کو الاؤ نہیں کرتی, ٹھیک ہے, اور جب بھی اگر آپ اپلیکیشن انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ایک وہاں پہ آئیکن نظر آئے گا ویریفائڈ بائے. تو ویریفائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کمپنیز نے ان اپلیکیشن کو آلریڈی ویریفائی کیا ہوا ہے, دین وہ آپ کو انہوں نے اپنے پلے اسٹور کے اوپر جو ہے اسے اوپن کیا ہے ٹو ڈو فور دا انسٹالیشن. اوکے, تو آپ میک شیور کریں گے جو بھی اپلیکیشن آپ انسٹال کرنے لگے ہیں وہ ویریفائڈ ہو اور آپ کو وہاں پہ ویریفائڈ کا آپ کو آئیکن نظر آئے گا ایز اے شیلڈ, تو آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہاں پہ وہ موجود ہو, تو دین آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انسٹال کرنا. ونڈرفل ونڈرفل, ویری انفارمیٹیو پوائنٹ. ولید کے ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ یوزرز کے لیے جتنے بھی اپلیکیشنز یا سافٹ ویئر ہیں وہ پائریٹڈ نہیں, جینوئن ہونا ضروری ہے اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ان کو بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ موبائل یوزرز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو ہے میک شیور کرنا ہے جو بھی اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ ویریفائڈ بائی دا پلے اسٹور یا پھر ایپل اسٹور ہوگی, بٹ آن دا ادر ہینڈ جب وہ آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کے کانٹیکٹ سے کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے جو کہ بہت ہی انیوژل لگے تو اس کو آپ نے جو ہے کلک نہیں کرنا یا پھر ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. ویری گڈ. انفارمیشن سیکیورٹی, سائبر سیکیورٹی یا نیٹورک سیکیورٹی, آپ پاکستان کی مارکیٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہاں پر یہ کہ اوور آل کیا فیکٹرز ہیں جو کہ ان ایلیمنٹس کی پراپر امپلیمنٹیشن جو ہے کسی بھی کنٹری میں یا کسی بھی ادارے میں افیکٹ کرتی ہیں؟
جی بالکل, پاکستان کی مارکیٹ میں جیسے میں بتایا کہ بوم آ رہا ہے اور ایسے تو وہاں پہ لوگوں کو ہاؤ نو ہو رہی ہے اس بارے میں کہ انفارمیشن سیکورٹی ہوتی کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پاسٹ ون اور ٹو ایئرس کے اندر جو ہے ہمارے وہاں جو ملک کے اندر سائبر سیکورٹی لاز جو ہیں پراپرلی جو ہیں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہی ایک بہت بڑا ہوتا ہے پرومسنگ پارٹ کہ اگر آپ کے جو ہے کنٹری کے اندر لا بن جائے کہ آپ نے اپنی انفارمیشن کو کیسے سیکور رکھنا ہے, اٹس مین دیٹ یو آر بومنگ ان دا مارکیٹ. ونڈرفل ونڈرفل انفارمیشن. لاسٹلی بٹ ناٹ دا لیسٹ, میں چاہوں گا کہ آپ ویورس کو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ہیلدی ٹپس دینا چاہیں آؤٹ آف آر ڈسکس ٹاپک, تو پلیز. جی بالکل, ٹپس تو آلریڈی آپ کو اس پروگرام کے اندر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو بھی اپنی سسٹم یوز کرنے کے لیے اپلیکیشن یوز یا ڈاؤن لوڈ وغیرہ کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ویریفائی کریں پہلے, ٹھیک ہے. ایک جو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اینڈ یوزرز جو ہوتے ہیں وہ ہر ای میل کو جو ہے نا اوپن کر کے اور اس کے اوپر کانٹینٹس جو اٹیچمنٹس وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کے لیے کوئی بینیفیشل انفارمیشن ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا. میک شیور کریں جب بھی آپ کو ای میلس ایسی ریسیو ہوں, ٹھیک ہے, ان کو میک شیور کریں کہ آئے کہ وہ آپ کے نان سینڈر لیجیٹمیٹ سینڈر سے ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس سے بھی آپ اپنے آپ کو کافی بچا سکتے ہیں. دوسرا جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ میک شیور کریں کہ آپ جو بھی ونڈوز استعمال کریں اٹس اے لائسنس ورژن, ان لائسنس ورژن سے پلیز گریز کریں, ٹھیک ہے. اس سے آپ کو شاید اندازہ نہ ہو سکے اس ٹائم پہ کہ آپ کی کون سی انفارمیشن لیک ہو رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان فیوچر جو ہے وہ آپ کے لیے کافی بڑا پرابلم بن سکے. تھینک یو سو مچ ولید. سو ویورس, آج کا ہمارا آئی ٹی کا ٹاپک آئی ٹی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھا, جس پہ کہ ہم نے ولید سے بہت ساری انفارمیٹیو باتیں جانی. اگر میں تمام باتوں کو سم اپ کروں تو آئی ٹی سیکیورٹی از ناٹ اے اسمال فیلڈ. اس میں ہمارے پاس مین چیز جو ہے وہ انفارمیشن ہے جسے ہمیں سیکیور کرنا ہے. اب وہ انفارمیشن سیکیورٹی نیٹورک لیول پہ ہو سکتی ہے, یوزر کے اپنے کسی بھی ڈیوائس جو کہ وہ یوز کر رہا ہے اس لیول پہ ہو سکتی ہے, جس میں کہ لیپ ٹاپ, ڈیسک ٹاپ, آئی پیڈ, سیمسنگ پیڈ, موبائل فونس, اینی ٹائپ آف ورژن اس پہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی پائریٹڈ سافٹ ویئرز یوز نہ کریں, کیونکہ اس کے یوزیج سے پرابلم جو آپ کے پاس کریٹ ہو سکتی ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنی مشین کو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو مشین ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن اوور دا انٹرنیٹ کسی نیکسٹ یوزر کو سینڈ کرنا اسٹارٹ کر دے, جو کہ آپ کی انفارمیشن میں بھی ایک نارمل یوزر کی انفارمیشن میں نہیں ہوگا. ساتھ ہی ساتھ موبائل فونس پہ جب بھی آپ کسی سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو اس پہ کوشش کریں کہ کسی بھی آپ کے قریبی کانٹیکٹ سے بھی کوئی انفارمیشن آئے تو آپ ان نون لنکس کو کلک نہ کریں. آئی تھنک دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس.